हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वफादार डॉग्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है दीपक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो आपको पता है कल्चर पॉम के ऊपर रहने वाली है। तो मैं आपको पपीज़ अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, हमारे पपीज़ जो अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए। और सबसे पहले मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से हमसे पूछे जाते हैं और गूगल पे भी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चंस शेयर करता हूँ और साथ साथ आंसर भी उनका। तो सबसे पहले रहता है कि एक कल्चर पॉम ब्रीड कहाँ से बिलोंग करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कल्चर पॉम की क्वालिटी दिखाता हूँ। तो अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स, जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे, पोमेरियन ब्रीड इज़ अ ब्रीड ऑफ डॉग ऑफ द स्पिट्स टाइप डेट इज़ नेम्ड फॉर द पोमेरियन रीजन इन नॉर्थ वेस्ट पोलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट जर्मनी। तो ब्रीड यहाँ से पोलैंड और जर्मनी से बेसिकली बिलोंग की जाती है और आज हमारे इंडिया में बहुत चल रही है ब्रीड। तो इस पोमेरियन इज डेंजरस। तो सेकंड क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पुट किया जाता है कि ये ब्रीड हमारी फैमिली के लिए डेंजरस तो नहीं है। तो फ्रेंड, ब्रीड बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, बस आपको इनका ख्याल रखना है कि इनको सेल्फ हार्म ना हो पाए। कभी कभी क्या करते हैं, सोफा से जंप कर देते हैं और जंप कभी कभार इतनी इनकी एक्यूरेट नहीं होती, छोटे होते हैं अगर पपी छोटा है तो वो सर के बल ना गिरे। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जब ये आपके सोफ़ा पे हो या बेड पे हो। तो इसका आंसर भी है गूगल पे और इसमें लिखा हुआ है, पोमेरियन कैन सीरियसली इंजर और किल देम सेल्फ। ये खुद को ही किल कर सकते हैं बाय लीपिंग फ्रॉम योर आर्म्स। अगर आपकी आर्म्स पे है पोमेरियन, अगर सोफ़ा वोफा पे कहीं भी, तो ये वहाँ से जंप कर सकते हैं, तो ये अपने आप को हार्म कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अपने आसपास कि आपका डॉग बिल्कुल सेल्फ इंजर्ड ना हो। तो बड़े डॉग सेल्फ इंजर्ड नहीं होते, तो छोटे डॉग को आपको बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इज़ अ पोमेरियन इज़ गुड फॉर योर फैमिली, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। और गूगल क्या इसका आंसर देता है वो है, पोमेरियन आर नोन फॉर बीइंग स्मार्ट, क्यूरियस, एनर्जेटिक एंड बोल्ड। दे आर टिपिकली वेरी प्लेफुल एंड लव टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। इनको बहुत अटेंशन चाहिए होती है और आपका प्यार। और जैसा कि गूगल ने बताया, बहुत स्मार्ट होते हैं, क्यूरियस होते हैं और एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी से भरे होते हैं ऑल टाइम। अगर बच्चा फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ है तो बिल्कुल प्लेफुल तो होगा ही। तो फ्रेंड्स, आपको जो मैं क्वालिटी दिखाऊंगा वो वाकई में बेस्ट होगी और बहुत ही प्यारा कलर होगा। आजा आजा मेरे पास, आजा 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 आजा। मैं मिलने आया था। तू झूठ बोल रहे है ना? नहीं। इनसे मिलने आया था तू? नहीं। है ना? नहीं। फिर? मैं आपसे मिलने आया था। नहीं, तू इनसे मिलने आया था? मैं सारे लोगों से मिलने आया था। सारे लोगों से? अच्छा, सच्ची सच्ची बता दे किससे मिलने आया था, सच्ची सच्ची बताइयो। इनसे मिलने आया था ना, बच्चों से? नहीं। है ना? नहीं। सच बता दे। बिल्ली से और आपसे। वहाँ शूटिंग हो रही है, रुक जाना। शूटिंग हो रही है, रुक जाना। नंदू, कौन से बच्चे हैं ये? कल्चर पॉम क्या बोलते हैं इनको? कल्चर पॉम बोलते हैं इनको। अच्छा, कलर कौन सा है इनका? वाइट नहीं है, क्रीम है। वाइट है, क्रीम है बेटा, ये कलर क्रीम कलर है ये। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल्चर पॉम और क्रीम कलर में अवेलेबल हैं और दोनों मेल हैं। तो आप इस ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें। और जो कॉलिंग का टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। और हो सकता है आपने ये थोपड़ा भी देख लिया हो बीच में आता हुआ, तो इग्नोर करना। तो तो कॉलिंग का टाइमिंग सुबह 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक रहेगा। इन बिटवीन आप हमें कभी भी कॉल करिए। और फ्रेंड्स, इन केस हम अगर आपका कॉल कट करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज लीव करिए और हम आपका रिप्लाई उस पर ज़रूर करेंगे। और व्हाट्सएप मैसेज करने का कोई टाइमिंग नहीं, आप कभी भी लीव कर सकते हैं, हम आपका उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और ब्रीड बहुत ही जेन्युइन है और प्योर है। और आपको मैंने नंबर बता दिया है, उस पर कॉल करिए और मैं इसकी एक्टिविटी की वीडियो भी आपसे शेयर करूँगा।
और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाएं ताकि आप लोगों तक हमारे वीडियो टाइम से आती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय बोल दो सबको, बाय बाय। वहाँ कैमरे में देख के बाय बोल दो। नहीं बोलोगे? बोल दो ना। डॉगी बोलेगा। डॉगी बोलेगा, अच्छा। इसका नाम क्या है, नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम मैंने रखा है गुड्डी। गुड्डी? हाँ। ये तो मेल है ना, लड़का है। गुड्डी तो लड़की वाला नाम हो गया। हाँ। लड़के वाला नाम बताओ भाई, बताओ। जो पापा बताएंगे। पापा बताएंगे, आप बताओगे? बताओ बताओ, क्या नाम रखे इनका? इसका नाम बताओ क्या रखे? हाँ बताओ बताओ। इसका नाम रखते हैं। हाँ। उसका नाम वो रखे क्या? छोटा वाईफाई। वाईफाई? छोटा वाईफाई। छोटा वाईफाई। हाँ। अच्छा, और इसका नाम? इसका नाम भी छोटा वाईफाई। नहीं, दोनों नाम थोड़ी सेम होंगे। इसका नाम छोटा वाईफाई और इसका नाम है गिलहरी। गिलहरी। चलो हो गया, चलो हटो।